उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बड़ा ही दुखद हादसा हो गया, जहां नैनीताल पुलिस के एक कर्मी की मौत हो गई है, वहीं 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल पुलिस लाइन में तैनात SI रमेश कंबोज, आरक्षी अरुण कुमार मौर्य, प्रवीण कुमार और नवीन मंगलवार को नैनीताल जेल से हत्या की कोशिश के मामले में 3 कैदियों मोनू, अमित और अमरजीत को हरियाणा के जिंद के कोर्ट में पेश करके वापस नैनीताल लौट रहे थे। तभी बागपत के खेकड़ा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी ट्रक से टकरा कर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और 4 पुलिसकर्मियों के साथ 3 कैदी घायल हो गए। घायल सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरक्षी अरुण कुमार मौर्य की मौत हो गई है, बाकियों का इलाज किया जा रहा है। इसी मौके पर खेकड़ा CO युवराज सिंह ने भी पहुंचकर छानबीन की। आरक्षी अरुण कुमार मौर्य की मौत हो गई है, बाकियों का इलाज किया जा रहा है।